हेलो स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्ट थर्ड पार्ट ऑफ चैप्टर 8 इन सिविक्स, रिटेल बिजनेस। आपने देखा होगा कि गांव में भी और शहरों में, मोस्टली शहरों में भी बहुत सारी शॉप्स होती है, बहुत सारे मार्केट होते हैं। उनमें लाइक शॉप्स ऑफ शॉप एंड मार्केट ऑफ क्लोथ, हैंडीक्राफ्ट और यूटेंसिल, इस तरह की जो शॉप्स होती है वो बहुत डेकोरेटेड होती है और लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। कस्टमर की डिमांड को और उनकी चॉइस को ध्यान में रखकर मल्टी कलर्स की शॉप में अट्रैक्टिव क्लोथ्स वगैरह रखे होते हैं। एंड कुछ ऐसे भी शॉप्स होती है जो अपनी शॉप का प्रचार प्रसार न्यूज़पेपर के थ्रू या टेलीविज़न के थ्रू या रेडियो के थ्रू करती है। शॉपिंग मॉल कंसेप्ट हैज़ एडेड अ न्यू डायमेंशन टू द रिटेल सेक्टर। रिटेल सेक्टर में यानी कि थोक के व्यापार में जो शॉपिंग मॉल है वो भी इंक्लूड हो गए हैं। एवरीथिंग कैन पॉसिबली नीड इज़ फॉर सेल अंडर अ सिंगल रूफ। शॉपिंग मॉल एक ऐसी होती है जो एक ही जगह पर एक ही छत के नीचे अलग अलग सामान अलग प्रोडक्ट आपको मिल जाते हैं। मार्केट्स आर रेगुलेटेड बाय अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द कंट्रोल ऑफ सिटी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। शहरों में बाजार का जो काम होता है उनकी देख रेख के लिए, उन पर कंट्रोल के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता है। फैक्ट्री वर्कशॉप एरिया, ये कैसे और ये होता है जिसमें किसी भी सामान को कच्चे रूप से पक्के रूप में बनाने के लिए, जैसे कॉटन से क्लोथ बनाने के लिए, पेपर से न्यूज़पेपर या बुक्स वगैरह बनाने के लिए बहुत बड़ी फैक्ट्रीज होती है। यहाँ पर वर्कर्स को मंथली पेमेंट दिया जाता है जिससे उनकी बेसिक नीड, बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी होती है। अ कॉजल वर्कर इज़ एम्प्लॉयड ऑन टेम्प्रेरी बेसिस एज लॉन्ग एज द वर्क डिमांड्स। कॉजल वर्कर वो होता है जिसे केवल मांग के आधार पर ही वो अपना बिजनेस कर पाता है। जैसे सपोज अभी वेदर कौन सा चल रहा है, अभी विंटर सीजन चल रहा है, तो विंटर सीजन में हमें वुलन क्लोथ पहनते हैं, तो आप देखते होंगे आपके आसपास कई लोगों से होते हैं जो रेंट पर शॉप खोलते हैं, जहाँ पर वो वुलन क्लोथ शॉल वगैरह, स्वेटर्स, सॉक्स वगैरह बेचते हैं। तो ये इनका सीजनल होता है, जब सीज़न चेंज होता है तभी वो ये काम कर पाते हैं, बाकी सीज़न ख़त्म होने पर उन्हें दूसरा काम करना पड़ता है। जैसे फिर गर्मी आती है तो वो जूस सेलर की यानी कि जूस बेचने की, जूस की शॉप लगा लेते हैं, तो सीज़न के अकॉर्डिंग उनका काम चेंज होता रहता है। तो ये कॉजल वर्कर कहलाते हैं जो कि टेम्प्रेरी होते हैं। ऑफिस एरिया, शहरों में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो फैक्ट्रीज़ के अलावा ऑफिस में भी काम करते हैं। वहाँ पर उनको अपनी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अलग अलग जॉब मिलती है। माइग्रेशन मैंने आपको बता ही दिया था कि माइग्रेशन में ये होता है कि गांव के लोग जो खेती बाड़ी करते हैं उनको प्रॉपर फैसिलिटी प्राप्त नहीं होती है, जो आगे पढ़ना चाहते हैं या जहाँ उनको सैनिटेशन की सुविधा प्राप्त नहीं है, वो अपना व्यापार बनाना चाहते हैं, वो जो जॉब की तलाश में या पढ़ाई के लिए शहरों में आते हैं और यहीं आकर बस जाते हैं। इसे माइग्रेशन कहा जाता है। विलेज लाइफ इज सिंपल एंड अनहरेड। गाँव की जो लाइफ है वो शहरों की लाइफ से बहुत ही सिंपल है। वहाँ के लोग सादा जीवन व्यतीत करते हैं, उनकी कुछ ज़रूरतें होती हैं और वो एक साथ रहते हैं, अपनी ज़रूरतों को उनकी फैमिली मेम्बर्स एक साथ पूरा करते हैं। बट वैन विलेजेस आर एक्सपोज टू टेम्पटेशन ऑफ अ मॉडर्न लाइफ स्टाइल। लेकिन जब विलेज गाँव के लोग शहरों की चकाचौंध देखते हैं, यहाँ की मॉडर्न लाइफ स्टाइल देखते हैं, यहाँ की फैसिलिटी देखते हैं, तो भी उनकी भी इच्छा होती है कि वो अर्बन एरियाज में आए और यहीं पर रहे। वन वे ऑफ क्रबिंग दिस ट्रेंड इज़ टू मेंटेन द रूरल एनवायरमेंट एट एन ऑप्टिमम लेवल and to provide more opportunity for growth, fulfillment and human betterment in rural areas. और अगर हमें इस स्थिति को बदलना है तो रूरल एरिया में भी लोगों को ग्रोथ विकास के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर प्राप्त होने चाहिए, तभी वो इम्प्रूवमेंट या डेवलपमेंट कर सकते हैं। सो चैप्टर 8 दिस सिविक्स इज कम्प्लीटेड।